ये देखिए तबेला है, यहाँ पर सामने झाड़ में आग लगी हुई थी। अभी मैंने आपको जो वीडियो वायरल किया था उसमें काका ये बताइए, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, वो बिल्डिंग वाले ये सब कचरा उचरा सफा करने वाले यहाँ पे आते नहीं, आप लोग कचरा कहाँ पे डालते हैं जो यहाँ कचरा जमा करते हैं? जो कचरा यहाँ पे जमा होता है वो झाड़ के पास कचरा कौन सा जमा हुआ था जहाँ पे किसी ने बीड़ी या सिगरेट पी के फेंका जो आग लगी अभी? है फालतू गाड़ी वाले आके डाल जाते। कौन सी गाड़ी वाले कुछ आप बता सकते हैं? कौन सी फालतू गाड़ी वाले आके वहाँ पे कचरा डाल के जाते हैं? मेरे क्या पता का, मैं नोट कभी आपने किसकी, आप यहाँ पे किसके थ्रू रहते हैं, किसने आपको यहाँ पे रहने के लिए बोला है? गोपाल भाई की जमीन है। कौन गोपाल भाई? ईडन पार्क। पूरा नाम क्या है उनका? ईडन पार्क। और तिवारी जी का भी इसमें जगह है, कुछ हिस्सेदारी उनकी सुनने में आया है? तिवारी कौन है सुनने में? गोपाल भाई क्या, गोपाल भाई कंस्ट्रक्शन, ईडन पार्क उनकी जगह है? अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पर तबेला, गोपाल भाई कंस्ट्रक्शन वालों ने यहाँ पर तबेला खोल के रखा हुआ है, बरोबर। यहाँ पर माइग्रोन्स भी है, और पहले यहाँ पर ये 7-11 क्लब का माइग्रोन्स कटिंग में हिस्सा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये कि ये जो 7-11 क्लब वहाँ पर सामने देखो बना हुआ है, वो सामने यहाँ पर आपको थोड़ा दूर हाईलाइट करना पड़ेगा, जरा आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप लोग देखिए जरा, आप लोग देखिए जरा, थोड़ा जूम करूँगा, अभी थोड़ा पीछे आऊँगा तो दिखेगा, थोड़ा पीछे आऊँगा तो आपको 7-11 क्लब एकदम साक्षात दिखेगा डायरेक्ट। ये देखिए अभी बरोबर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखेगा, ज़्यादा हिस्सा नहीं दिखेगा, थोड़ा हिस्सा ये देखिए उसके टापू का हिस्सा दिख रहा है, और वहाँ से हाई टेंशन वायर भी गया हुआ है। हाई टेंशन वायर के करीब कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी बिल्डिंग रहनी नहीं चाहिए, ना तो बनना चाहिए, लेकिन हाई टेंशन वायर के एकदम करीब माइग्रोन्स कटिंग करके सरकारी ज़मीन पर बना हुआ यह 7-11 क्लब कभी टूटेगा इसकी जनता को इंतजार है। जबकि धीरे जब परप साहब जो कि पर्यावरण के लिए बहुत महत्व चीज़ माने जाते हैं मीरा भाईंदर के, उन्होंने हाई कोर्ट से आर्डर भी ला चुका है इसको तोड़ने का, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, टूट क्यों नहीं रहा है, इसकी वजह क्या है जानने के लिए मीरा भाईंदर की जनता उत्सुक है। और यहाँ पर झाड़ों को कैसे नष्ट किया जाता है इसकी उपमा हमने आपको बहुत थोड़ी देर पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ, अभी भी वहाँ से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर खाड़ी आती है सामने, इसके अंदर कोई कोई अपनी उनकी खेती सरकारी ज़मीनों मतलब नमक के लिए उनको खेती दी गई, वो अपनी खेती भी करते हैं, और कुछ दलदल भी है अंदर। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से गायों को रखा गया है, गायों को मतलब इनके बीच में जंगल के बीच में रखा गया है, इसी जहाँ पर ये 7-11 क्लब भी बना हुआ है यहाँ पर भी पहले कभी कभी ऐसे ही गायें रहती थी, आज वहाँ पर इतने बड़े क्लब का निर्माण हुआ है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है मीरा भाईंदर के रहवासियों के लिए, उनकी जनता के लिए। मेरी बातों को आप लोग कोई मतलब हल्के में मत लेना, ये आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा, अगर आज आप इस पर फाइट करेंगे, इस पर जो है मतलब गर्व करेंगे तो